मेरे छोटे भाई जिनको बहुत प्यार करता हूं राष्ट्रभक्त मारू जी, मेरे साथ आए हुए जतन जी जो बड़े संस्कारी आज के टाइम पे हैं, जिनको बड़ा प्रणाम करता हूं, मेरी बड़ी बहन यहां की मेयर सुजाता जी और यहां पे 71 मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पिता समान सबको मैं वंदे मातरम बोलता हूं। मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, मैं उस काबिल नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी करता हूं या जो कुछ भी बची हुई बोनस की बम्बों की जिंदगी से करूंगा वो मेरा एक कर्तव्य है, ना वो कुर्बानी है ना वो एहसान है, वो मातृभूमि के चरणों में मेरा एक कर्तव्य है। ये बम्बों से बचा हुआ जीवन का हिस्सा, ये मातृभूमि के चरणों के लिए बार बार मरने के लिए अपना जीवन देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, इससे कभी हटूंगा नहीं। मुझे वो पुराने दिनों की याद आती है जब पाकिस्तान की तरफ से बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट किए गए, दिल्ली में मेरे ऊपर बम चलाया, कई बेगुनाह लोग चले गए, कई बहनों के सुहाग उजड़ गए, कई बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। उस वक्त मुझे याद है फौज तो अपना काम करेगी, पुलिस अपना गोली का जवाब गोली देगी। मैंने कच्छ बॉर्डर के बिल्कुल सामने आके 1.5-2 लाख की भीड़ इकट्ठी करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे लेकर के पाकिस्तान को उस वक्त ललकारा था। मैंने उस वक्त पाकिस्तान को कहा था, हे पाकिस्तान, गोली का जवाब तो गोली देगी हमारी फौज, कभी वक्त आया तेरे लोहे का बॉर्डर तोड़ करके 2-2 लाख की भीड़ चारों तरफ से हिंदुस्तान में चल करके तेरे पाकिस्तान में घुस जाएगी। वाघा बॉर्डर पे प्रदर्शन किया था, सामने लोहे का गेट था, क्योंकि मुझे कच्छ बॉर्डर जब मारू जी मुझे लेके गए तो मुझे पुराने दिनों की याद आई, वो लाखों की भीड़, वो तिरंगे झंडे लहराते हुए, और आज सोचता हूं मैंने कैसे किया। और जब उन दिनों में अमृतसर वाघा बॉर्डर के अंदर प्रोटेस्ट किया, 2-2.5 लाख की भीड़ थी, सामने लोहे का बॉर्डर था, इधर पाकिस्तान का झंडा, इधर कांग्रेस देश का झंडा, राष्ट्र का तिरंगा झंडा, हम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान के रेंजरों ने, फौज के उन जवानों ने कहा, हमारे जवानों को, बिट्टों को, बिट्टा को बोलो कि बेनजीर के खिलाफ हमारे पाकिस्तान को गाली देना बंद करें, नहीं तो गोली चलाएंगे। जैसे रेंजरों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज आया वो गोली चलाने के लिए तैयार खड़े हैं, मैंने कहा मुझे अपना काम करने दो। मैंने माइक पकड़ा, मैं कहा हे पाकिस्तान, ये 2-2.5 लाख की भीड़ तिरंगे झंडे लेकर के तेरियां गोलियां भी खत्म हो जाएंगी, तेरे लाहौर में घुस के बैठ जाएंगे, कितनी गोली पाकिस्तान चलाओगे, फौज तो लड़ेगी चारों तरफ से तुम्हें घेरेंगे। उस वक्त मैंने घेरा था पाकिस्तान को, मेरे नाम पे बड़े फतवे पड़ा करते थे कि बिट्टा को कैसे मारे जाएगा, पर मेरे ऊपर भारत माता की बड़ी कृपा थी, बड़ी कृपा थी मातृभूमि की, क्योंकि उसके चरणों के आशीर्वाद लेके मैं लड़ता था। उस वक्त मैं कहा करता था, मंजिल दूर सफर बहुत है, कहा करता था छोटी सी जिंदगी का फिक्र बहुत है, मार डालती कब ये पाकिस्तान जैसे आतंकवादी, पर भारत माता की दुआ का मेरे ऊपर असर बड़ा है, मैं लड़ा करता था। हम कई बार वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना एक फैशन हो चुका है, 15 अगस्त 26 जनवरी को हम मातृभूमि को भी याद करते हैं, भारत मां को भी याद करते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, पर गुजरात में ऐसा नहीं,
गुजरात में जो भी काम किया जाता है प्रथम राष्ट्र को लेके वो दिल से किया जाता है, जिसकी मिसाल यहां है। कच्छ भुज आना बड़ा मुश्किल है, प्लेन फुल आते हैं, ट्रेनों में कितनी कितनी देर वेटिंग रहती है, फिर भी यहां जब कल मैं परसों मारू जी के साथ गया, वंदे मातरम का एक आश्रम देखा, पार्लियामेंट बना हुआ है, एक घंटा अंदर मैं सारा कार्यक्रम देखा, महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके रानी झांसी से लेके जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बहते हुए खून से लेकर के एक एक चीज का इतिहास बताया गया। सफाई, पवित्र मंदिर की तरह। आज मैं वर्मा जी के आश्रम में गया, जहां उस वक्त कहा गया उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड का जो ब्रिटिश का कब्जा था हिंदुस्तान के, जिसके 200 साल गुलाम रहे, वहां रह करके मदनलाल ढींगरा जी जिनको फांसी की जाम पीना पड़ा, हिंदुस्तान से कोई भी उस वक्त नौजवान राष्ट्रभक्त जाता तो उसको अच्छी एजुकेशन देते थे, उसकी मदद करते थे, वहीं रह करके उन्होंने कहा था जब भी भारत आजाद होगा मेरी अस्थियों को भारत ले जाया जाए। किसी ने उनकी अस्थियां लाने की यहां पे कोशिश नहीं की। कितने साल वक्त हो गया इस भारत को आजाद करते हुए, पर जब नरेंद्र मोदी आए उन्होंने सबसे पहला काम किया उसकी अस्थियों को यहां पे लेके आए और 100 एकड़ की जमीन के अंदर जहां वो रहते थे वही एक सुंदर एक आश्रम बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये गुजरात की धरती पे हो सकता है, सदा के लिए अमर रहे। रोटी तो खाते हैं हम, जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब इतनी बड़ी जंग और राष्ट्र में काल आया हुआ था, कहे एक दिन कोई खाना नहीं खाएगा, लोग दो दो दिन, कभी तक कई ऐसे बुजुर्ग होंगे सामने बैठे हैं जो खाना नहीं खाते होंगे अभी भी, अरे अब अगर हमें एक साल के लिए, एक साल नुक्ता चीनी नहीं, बुरा ना कहे किसी को, एक चाल के लिए अगर चार रोटी खा ले तो तीन खा ले, तीन नहीं तो दो खा ले, फाइव स्टार होटल में ना जाके घर में खा ले, ढाबे पे खा ले, शायद राष्ट्र कितना मजबूत हो जाए। नहीं, ये वादे किए थे ये पूरे होने चाहिए, दो साल के अंदर अंदर नहीं हुए तो फिर हम आपको वोट नहीं डालेंगे, तो फिर किसको डालेंगे। नागालैंड हम सोच नहीं सकते थे, मैं अपनी जिंदगी पे सोच नहीं सकता था कि ऐसी सरकार बनेगी, वो बीजेपी की सरकार नहीं है। नागालैंड में वंदे मातरम भारत माता की ना जय लेने वाले की सरकार बनना मतलब राष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, नेशन की सरकार, किसी की सरकार नहीं। नागालैंड में सरकार बन नहीं सकती। मैं हिंदुस्तान, चाहे कच्छ बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर बॉर्डर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे वाघा बॉर्डर हो, पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए, पर नागालैंड नहीं जा पाया। गया था रैली करने बहुत बड़ी, कलकत्ता से वापस आना पड़ा, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किडनैप कर दिया और उन्होंने धमकी दी अगर प्लेन, जिस प्लेन से बिट्टा आएगा प्लेन को उड़ा देंगे और जो किडनैप किए उनको बम्बों गोलियों से भून डालेंगे, हमने उनकी खातिर अपने साथ किसी और का जीवन ना जाए वापस आना पड़ा। अब जाके नागालैंड, मैं 24 साल के बाद नागालैंड जाके वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल के आऊंगा। ये छोटी सी प्राप्ति नहीं है, अपनी प्राप्तियों की तरफ मत जाओ, हम है क्या, आज नहीं तो कल जाना है। अभी एक मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, एक बड़ौदा बैंक का सबसे बड़ा ऑफिसर रिटायर हो गया, वो जाते जाते सबको कुछ बोल रहे थे, देखा बोलते बोलते धन्यवाद करते करते वहीं चला गया भगवान, एक सेकंड के अंदर, आज नहीं तो कल जाना है। पर वो मातृभूमि जहां खून गिरा है हमारे आजादी के दीवानों का, दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास है
वो कभी कमजोर ना हो, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये बंदे मातरम वालों को बोलना चाहता हूं जो कहते हम नहीं बोलेंगे, मन में बंदे मातरम, तन में बंदे मातरम, चलते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातल कभी भी हमें खत्म कर देना, हमें चीख भी निकलेगी निकलेगी बंदे मातरम।